राम जहि लखि लखन होते अधके मिले मोदत मुनिराव। सुसीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। लखन श्री राम चंद्र की जय। जिसको देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। श्री राम आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भाय रहाय अभिलाषी, तही तही के तस तस रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार श्री राम सानुज मिल पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़े बात राम के नाही, जिम घट कूट एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनसे उनके दुख और कठिन संताप दूर की कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक ही साथ दिखती है। श्री राम मिल के वटहियो मगे अनुरागा, पुर जन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखत महतारी, जनु सुबिल अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमग करके वट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला पार गया हो। श्री राम प्रथम राम भेटी के सरल सुभाय भगति मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम बिसर धरी विधिसर धरी खोरी। देखो बट्टू बल्लू, प्रथम राम भेटी कैकेयी, जब माताएं मिलने गईं चित्रकूट आईं सब भरत जी के साथ, तो राम जी पहले कौन माता से मिले मालूम है? कैकेयी से। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। ये नहीं कहा उन्हें बुराई नहीं मानी, सोचो ये होती उदारता, तब राम भगवान कहलाए हैं। अगर उनने इतनी छोटी छोटी बातें, बात कितनी बड़ी थी लेकिन उसको छोटा मान के छोड़ दिया, विधाता की नियति के लेख के लेख मान करके, हैं ऐसा होता है, इसलिए वो बड़े कहलाए हैं। तो कभी भी छोटी मोटी बातों पे ध्यान रख के बुराई नहीं मानी जाती। विधाता का लेख मान लिया था कि भगवान करवा रहे इससे, ऐसा ये नहीं है ऐसा बुरा। और हमारा धर्म क्या है माता के प्रति, ये राम जी ने पहचाना बस। और किसी को ये ना लगे कि कैकेयी से बाद में इसलिए मिले हैं क्योंकि उनने वन भेजा है, ऐसा ना लगे इसलिए वो सबसे पहले उन्हीं से मिले। अरे भेटी रघुवर मात सब करि प्रबोध परितोष, अम्बई से आधीन जगो काहू न दे दोष। लखन श्री रामचंद्र की जय। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है। बिट्टू जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। जब किसी का दोष हो तो ऐसे ही सोचा जाता है कि दोष सामने वाले का नहीं है, दोष भगवान करा रहे, कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा इसलिए भगवान ऐसा करवा रहे हैं, ये सोच करके किसी को दोष नहीं दिया जाता। गुरतीय पद बंदे दोह भाई, सहित प्रतीय जे संग आई। गंग गौर सम सब मन मानी, देही आशीष मोदत मृदुवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरण की वंदना की और सब उन सबको गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गाही पद लगे सुमैत्रायंका, जनु भेटी संपति अतिरंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता।
तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुभद्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। श्रीराम अति अनुराग अम्बर लाए, नयन सने हसल अनुवाए, तही अवसर कर हरस बिसादु, किम कभी कहे मुँह के जिम स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं जल से नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जैसे गुंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिल जने नहीं सानो जे रघो राऊ, गुरु सन कहे ओ की धारे ओ पाऊ, पोरे जने पाए मुनि सन योगु, जल तले ताकी तकियो तेरो लूगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिये, तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर उद्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीत देख देख कर उतर गए। श्रीराम महेश्वर मंत्री मात गुरु गणे लोक लिए साथ, पावन आश्रम गमन किए भरत लखन रघुनाथ। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।